हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए प्रोजेक्ट के साथ, जो कि लव स्टेटस है। इस तरीके का वीडियो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैनवास्ट ओपन कर लेते हैं, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम मीडिया पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करके यहाँ से हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पैन एंड जूम पे क्लिक करके स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को ऐड कर लेंगे। इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ से हम ट्रांसलेशन को लगा लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जूम इन आउट वाले को। यहाँ से हम सब सेलेक्ट कर लेंगे चारों को। इस तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद हम इसको बैक कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हम उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेंगे हम फुल स्क्रीन, और इसको क्रोमा की इनेबल कर लेते हैं। ब्लू कलर ऑटोमेटिक रहेगा, अगर हम ब्लू हटाना चाहते हैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम ब्लर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको कर लेंगे वीडियो के एंड तक। इसको कर देंगे हम सेंड टू बैक, इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद में इसको हम बैक कर लेते हैं, इसको पूरा बैक कर लेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, 16:9 ले लेते हैं। इसके बाद हम मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे जो कि ब्लैक बैकग्राउंड होगा, इसको हम कर लेते हैं वीडियो की लेंथ तक। इसके बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हम इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं वीडियो को जो हमने एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद हम यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करेंगे, क्रोमा की को इनेबल कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से हो जाएगा, इसको इस तरीके से। इसके बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हम एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे जो कि कलरफुल रहेगा, इस वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देंगे फुल स्क्रीन। इसको कर लेंगे हम वीडियो के एंड तक। इसको कर देंगे सेंड टू बैक, इस वाले को भी हम कर देंगे सेंड टू बैक। इसके बाद हम इनको कर देते हैं, इसको हम दे देंगे रिंग वाला, ओवरऑल पे क्लिक करके इसको रिंग वाला सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी हम रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से इसके लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से वीडियो जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको ऐड कर लेते हैं।
फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके बाद लेयर पे क्लिक करें, मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हम एक फोटो को ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ लेयर पे क्लिक, इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, मास्क को इनेबल करके यहाँ से हम हार्ट शेप वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे, इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देंगे सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड। इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, इसको कर देते हैं वीडियो के एंड तक। इस तरीके से इसमें इसके लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक, यहाँ से हम नाम को ऐड कर लेंगे। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम कलर्स को चेंज कर लेते हैं, आउटलाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से हम रेड सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं। तो हमारा इस तरीके का बनके तैयार हो जाएगा, आप लिख करके देख सकते हैं। इसको हम अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेंगे।